हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के फैंस काफी एक्साइटेड हैं शो के लिए, जो कि हमें आने वाले महीनों में जून के राउंड देखने को मिलेगा। इसी के चलते चलते आपको सारी रिसेंट अपडेट्स भी देता ही रहता होता हूँ कि किस किस को अप्रोच करा जा रहा है और कौन फाइनलाइज हो रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास फर्स्ट टू कन्फर्म्ड कंटेस्टेंट्स आ चुके हैं, जिन्हें शो के लिए फाइनलाइज कर लिया गया है, जो कि शो में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे और कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइंड हैं। पहले कन्फर्म्ड कंटेस्टेंट इस सीरियल के हैं शिव ठाकरे। शिव ठाकरे को अभी रिसेंटली बिग बॉस में देखा गया था, जहाँ पे वो सेकंड फिनिश करे थे और बिग बॉस मराठी के ये विनर भी रह चुके हैं। तो गाइस, खतरों के खिलाड़ी में आना इनका हमेशा से ही सपना था और उनका यही कहना है कि बहुत बड़ा ड्रीम उनका लिए पूरा हो रहा है। बिग बॉस के बाद उनकी चेकलिस्ट में अगर कोई दूसरा सीरियल था वो यही था, खतरों के खिलाड़ी। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था उनको इस सीरियल में ऑलवेज, और ये बिग बॉस में भी काफ़ी बार इसी के रिलेटेड बोल चुके थे और गाइज इनको अप्रोच भी कर लिया गया था तभी। तो ये आपको देखने को मिलने वाले हैं, खतरों के खिलाड़ी के फर्स्ट कंटेस्टेंट है ये। अब हम सेकंड कन्फर्म्ड कंटेस्टेंट की ओर चलते हैं। तो गाइज, अंजुम फकी इस सीरियल की सेकंड कन्फर्म्ड कंटेस्टेंट बन चुकी हैं। इनका भी कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो चुका है और ये हमें देखने को मिली थी कुंडली भाग्य जी टी वी के सीरियल में और एक था राजा एक थी रानी सीरियल्स में। तो ऐसे शो से ये पॉपुलर हैं और अब हमें देखने को मिलेंगी खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में एज अ कंटेस्टेंट। ये दोनों फर्स्ट कन्फर्म्ड कंटेस्टेंट्स हैं हमारे इस सीजन 13 के। ये दोनों जो पहले कन्फर्म्ड कंटेस्टेंट्स हैं, इनमें से आप किसके लिए एक्साइटेड हैं ज़्यादा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर कर दीजिए खतरों के खिलाड़ी शिव ठाकरे के फैंस के साथ। और सारी अपकमिंग इन्फॉर्मेशन न्यूज़ खतरों के खिलाड़ी की पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप कुछ अपडेट मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।